हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वापस से आप सभी का स्वागत है यार फूरियर सीरीज के सेशन नंबर 12 में। प्रीवियस सेशन में, सेशन नंबर 11 में हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने देखा टाइप 4 यूजिंग इवन एंड ऑड फंक्शन। मतलब इवन एंड ऑड फंक्शन का हेल्प लेके हम लिमिट्स माइनस एल टू एल वाले सम्स किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग ने देखा था। आज अभी इसी वक्त इसी सेशन में हम लोग देख रहे होंगे एक और न्यूमेरिकल, डबल धमाका। राइट जी, डबल धमाका, सेकंड न्यूमेरिकल इस टाइप का। फटाफट से आपके मोहब्बत वाले लाइक की जरूरत है, फटाफट से लाइक ठोक दो, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज का ग्रुप, क्लास का ग्रुप, इधर का ग्रुप, उधर का ग्रुप, फलाना ग्रुप, जो भी ग्रुप रहेगा सब में जरूर शेयर करो। टेलीग्राम चैनल पे शेयर करो, क्योंकि सबको पता है यार शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। एंड अभी तक अगर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जिंदगी में क्या किया, फटाफट जाके उसको ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टाइप के सेकेंड न्यूमेरिकल के साथ, आज के सेशन के पहले न्यूमेरिकल के साथ। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर, देखिए आइडेंटिफाई कैसे करना है ये भी बताऊंगा। फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए फंक्शन थोड़ा अजीब है, 1 - x² (-1 - 1) ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर समझ रहा है, चलिए हम भी आपके साथ साथ सॉल्व करेंगे, ऐसे लोग कह रहे हैं। चलिए फिर, लोग जो कह रहे हैं उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है उसको लिखना पड़ेगा, दैट इज 1 - x², कोई दिक्कत नहीं। एल इज इक्वल टू फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट डिवाइडेड बाई 2, क्या बात है। तो यहाँ पे 1 - -1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो ये 2/2, मतलब एल की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। एल की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर समझ रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल अपने अंदाज में। सबसे पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना, -1 - 1 है, लिमिट स्प्लिट भी नहीं किया है, स्प्लिट करते तो ठीक था, इवन ऑड नहीं यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिमिट्स कंटिन्यूअस एक ही फंक्शन के लिए, इसका मतलब क्या, मुझे इवन ऑड इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो x के जगह पे डाला -x, तो 1 - -x² तो दैट विल गिव यू 1 - x². तो सिंपल भाषा में एफ ऑफ एक्स, देखिए सिंपल भाषा में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन, ठीक है जी, गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन, बिल्कुल इवन है तो जाहिर सी बात है, देयरफॉर फूरियर सीरीज क्या बनेगा, देयरफॉर फूरियर सीरीज इज, देखिए बड़े ध्यान से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 + n = 1 - (ANcos(nπx)/L, राइट जी, फॉर्मूला कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, सबको पता है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा a0 को, व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर a0 इन माइनस एल टू एल, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/2l इंटीग्रेशन c से लेकर c+2l, ठीक है, एफ ऑफ एक्स dx, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सर क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ, आया ना बोलो, कमॉन कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए होगा यो, कमॉन एवरीबडी इन द कमेंट सेक्शन मुझे चाहिए यो की बारिश, कमॉन। सीधी भाषा में यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व, देयरफॉर a0 इज इक्वल टू 1/2 × 1 हो गया, इंटीग्रेशन -1 - 1, एफ ऑफ एक्स क्या है 1 - x² और dx। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही सिखा दी है, इनफैक्ट फूरियर के स्टार्टिंग में भी सिखाई हुई है। क्या करते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन को 0 से लेकर 1 बनाएंगे, -1 - 1 है ना, उसके जगह पे 0 - 1 बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा 1 - x² और यहाँ पे dx, कोई परेशानी नहीं सर समझ रहा है। तो चलिए 0 से लेकर 1, यहाँ पे 1 - x² और यहाँ पे होगा एब्सोल्युटली dx,
इसको सिंपल सॉल्व करना है यार, और कुछ भी नहीं। वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री, ब्रेकेट कंप्लीटेड, यहाँ पे होगा जीरो से लेकर वन तक। कोई परेशानी नहीं सर, चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। लोअर लिमिट वैसे भी जीरो है, तो गाउटीगिरी मत करो, उसको हटाई दो, लिखो ही मत, टेंशन ही नहीं चाहिए दिमाग को। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, वन माइनस वन का क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, तो ये कितना हो रहा है, वन माइनस वन बाई थ्री हो रहा है, ठीक है, तो दैट विल गिव यू टू बाई थ्री। तो ए जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, टू बाई थ्री। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है, मजा आ गया। यस सर, मजा आ गया। चलिए चलिए ए एन को भी कैलकुलेट करते हैं, उतनी ही मजेदार चीज है ये, ठीक है। तो वन अपॉन एल, पहले फॉर्मूला लिख देने का, मैंने बताया ना आपको, कोई कोई गाउटी लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं सर फॉर्मूले को रट्टा मारिए। अबे कौन कहता है रट्टा मारना, इंजीनियरिंग रट्टा थोड़ी होती है, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट होता है। ये रट्टा रट्टा वो गाउटी लोगों ने बना दिया है, उसी को तोड़ना है। इसके लिए तो रिवोल्यूशन लेके आए हैं इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम में, राइट जी? नहीं देखा, नहीं देखा, अरे चैनल में जाके उसका टीजर देखिए, लोगो रिलीज का वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा, राइट जी? तो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे कॉस ऑफ एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे वन अपॉन एल की वैल्यू कितनी है, वन है, ठीक है। इसको लिखेंगे माइनस वन टू वन, एफ ऑफ एक्स कितना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एन पाई एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। आप बोलोगे सर नीचे का एल कहाँ गया, अब एल के जगह पे वन डाला तो वो तो हट गया ना, इसलिए तो नहीं लिखा, समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे, समझ रहे, बहुत अच्छे से समझ रहे। चलिए चलिए, खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। हाँ जी, चलिए टू से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा सर हमें, हाँ करो ना फिर, मैंने किधर ना बोला, जीरो से लेकर वन बना दो, यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा दो, कॉस ऑफ एन पाई एक्स, और यहाँ पे हो जाएगी डी एक्स, एब्सोल्युटली टू। चलिए यू इंटू वी रूल आजमाना पड़ेगा, तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यू कॉस का हो गया साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एन पाई कड़क, माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस ऑफ टू एक्स, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एन पाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एन पाई का स्क्वायर। सीधी भाषा, नो बकवास, ओके जी। प्लस माइनस टू एक्स का माइनस टू, माइनस कॉस का माइनस साइन, ये तो सबको आ रहा है अभी, यू इंटू वी रूल में अभी तक आप माहिर हो जाना चाहिए, वाकिफ हो जाना चाहिए, और इतना वाकिफ हो जाना चाहिए इससे कि कोई 11 12th वाला बंदा मिला जो यू इंटू वी रूल नहीं आ रहा है, सीधा चमाट मार दो, अबे मुझे आता है, आप सिखा दो उसको, हाँ जी आप सिखा दो, और इंजीनियरिंग के लिए बाबा जी के पास लेके आओ, अपने चैनल के पास लेके आओ, सब फ्री में, पैसा नहीं मांगा, ना मांगूंगा, मैथ्स के लिए तो कभी नहीं मांगूंगा, राइट है जी? चलिए चलिए चलिए, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे वन डाला, हाँ जी वन डाला, चलिए अपर लिमिट डाला, तो ये तो कट गया ना यार एन पाई, ये भी कट गया एन पाई, साइन की टर्म चाहिए ही नहीं मुझे, क्या बात है क्या बात है। तो ये टू आ गई, हाँ जी ये तो टू आ गई, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए ब्रेकेट में माइनस माइनस प्लस, उसके साथ साथ माइनस, मतलब माइनस ऑफ टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, अमेजिंग। और यहाँ पे जीरो टू वन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, माइनस टू को निकाल दो बाहर, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस फोर, ब्रेकेट के अंदर एक्स इंटू, अच्छा ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर को भी निकाल दो ना, इसको क्यों कचरा अंदर रखना है, ठीक है। तो एक्स इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पे बचेगा एन पाई एक्स, आई न्यू इट, ये ले लो, लिख दीजिए अच्छे से, लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। चलिए अपर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट तो वैसे भी जीरो बन रहा है, तो माइनस फोर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डालिए अपर लिमिट, तो ये बनेगा कॉस ऑफ एन पाई, लोअर लिमिट डाला तो जीरो इंटू दैट टर्म, तो वैसे भी है, चलो आपके खुशी के लिए मैंने जीरो भी लिख दिया, ओके चलिए कोई दिक्कत। तो यहाँ पे कॉस ऑफ एन पाई इज माइनस वन रेस टू एन, अरे आंसर मिल गया, ओए आंसर मिल गया, ओए क्या बात है क्या बात है, अमेज अमेज, खुशियां बांटो बांटो भर भर के बांटो, राइट जी? कोई परेशानी, चलिए तो फाइनल फूरियर सीरीज लिखेंगे, देयरफॉर फूरियर सीरीज इज, फूरियर सीरीज इज, देखिए क्या रहेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n cos ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाय l। कोई परेशानी नहीं सर। a0 की वैल्यू कितनी आई थी 2/3 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n की वैल्यू कितनी आई थी -4 -1 raised to n होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे cos ऑफ n by x l के जगह पे डाला 1। हो गया सर। और यहाँ पे लिख दीजिए 1 - x2 क्योंकि ये अपना फंक्शन है, समझ रहे हो, ये अपना फंक्शन है, ये मेरा फाइनल आंसर। इसको सजा दजा के रखूंगा डोली में, हाँ जी डोली बोलेगा तो बॉक्स में। ओके जी बिल्कुल। कैसा लगा सवाल और उसका जवाब कैसा लगा? पूरी ताकत के साथ जवाब दे दिया है। आप बोलोगे सर इवन ऑड फंक्शन के आपने दो सम्स लिए, दोनों भी इवन फंक्शंस के लिए, ऑड फंक्शन का क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑड में ए जीरो और ए एन दोनों भी जीरो होते हैं, सिर्फ कैलकुलेट करना पड़ता है बी एन को, और ऑलरेडी बी एन किस तरीके से कैलकुलेट करना है ए एन की तरह ही कैलकुलेट करना है, सिर्फ कॉस के जगह पे आ जाएगा साइन, यू इंटू वी रूल, वैसे ही लिमिट्स को पुट करना, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक चीज ढूंढना है, समझ रहे हो। तो इतना सिंपल है, इसके लिए वो मैंने नहीं लिया। अगर आपको चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, एक एडिशनल सेशन उसके लिए भी ले लूंगा। ठीक है जी, तो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर जरूर करिए, और आपके लाइक की और आपके शेयर की अपने चैनल को बहुत जरूरत है, फटाफट जाके लाइक करो और शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।